हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू सोएसी शान व्लॉग। और अभी हम फिर किचन में खड़े हैं और आज हम बड़ी एक मकसद से खड़े हैं किचन में। आज एक मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड आ रही है। फ्रेंड तो नहीं कहेंगे उनको, क्या कह सकते हैं, मेरी चले फ्रेंड ही कह लें। वो एज में मुझसे बड़ी हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बड़ी बहनों की तरह वो। और बहुत अरसे के बाद वो फिर हमें दोबारा मिली, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वो मोहल्ला हमने काफ़ी देर से छोड़ दिया हुआ था। तो इसलिए उस टाइम जब हम लोग उनके साथ रहते थे उस टाइम इतने फ़ोन या व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इतना हमारा रास्ता उनसे नहीं हो सका। उस दिन जब हम बाज़ार गए हैं ना, तो वहाँ पर वो मुझे मिली और फिर हमने एक दूसरे को मिली है, तो वो भी बड़ी अच्छी तरह से मुझे मिली और मैं भी उनको। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप घर आएं। वो तो उसी टाइम हमें कह रही थी कि आप लोग हमारे घर चलें, घर चलें। तो लेकिन उस टाइम हम कहीं और जाना था, इस वजह से हम उनके घर नहीं जा सके। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आप जब भी आपके पास टाइम होगा ना, आप आइएगा। तो बल्कि वो तो कह रही थी मंडे को आऊँगी, लेकिन मंडे को फिर हम बिजी थे थोड़ा सा। तो मैंने कहा जी मंडे को आप ना आइएगा, तो आप ट्यूसडे को आइएगा। तो आज वो आई हैं और आने वाली हैं, अभी आई नहीं है, आने वाली हैं। तो मैं उनके लिए खाना रेडी कर रही थी। ये देखें जी, सामान सारा आ गया हुआ है और हम बड़े लेट हो गए हैं, 6:30 हो रहे हैं, बल्कि 7:45 हो रहे हैं। 7 बजे उन्होंने आ जाना है, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। और बिरयानी बन रही है आज, लेके आया क्या कहते हैं उसको, आलू बुखारा? नहीं, वो नहीं मिला, खट्टा वाला नहीं मिला। ओहो, फिर बिरयानी मसाला 2-3 ले आने थे? 2 लेके आया। चलो, एक आधा पड़ा होगा घर? नहीं, घर नहीं पड़ा हुआ, 2 लेके आया। ये देखे जी, प्याज मैंने साथ साथ ही मैंने का काम शुरू कर दें जल्दी जल्दी। अभी चिकन मैंने वॉश करनी है, तो ये मैं लहसुन बना लूँ तो फौरन मैं चिकन वॉश करूँगी। तो चले मिलते हैं आपसे, खाना बना के, खाना बनता बनता आपको साथ दिखाते हैं। और अगर मेरी फ्रेंड को मैंने अभी नहीं बताया कि मैं उनको अपने व्लॉग में लेना चाहूँगी, अगर तो उनको कोई इतराज़ नहीं होगा तो उनको फिर ले लेंगे। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं उनको आपको नहीं दिखा सकूँगी। लेकिन ये है कि मैं खाना ज़रूर आपको दिखाऊँगी, कि जो मैं बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ और कुछ नहीं, खाद बना रही। कुछ हमारे दूसरे भी गेस्ट आए हुए, ताया जी आए हुए हैं। जो लोग मेरे पुराने भी लोग देखते हैं, उनको पता कि ताया जी अक्सर हमारे घर आते होते हैं। तो ताया जी आए हुए थे दोपहर को, उनके लिए चिकन बनी थी। वो चिकन अभी भी पड़ी हुई है, थोड़ी सब्जी उसकी भी पड़ी हुई है। तो देखेंगे, साथ कुछ रोटी बना लेंगे, कुछ सालन है, क्योंकि जिशान कह रहे हैं उन्होंने चावल नहीं खाने, है ना जिशान? चखूंगा, खाऊंगा नहीं बस। चख लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो फिर यह कि उनके लिए हम रोटी बनाएंगे, सब्जी है पड़ी हुई, उस सब्जी के साथ इनको खाना दे देंगे। और बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए मैंने बिरयानी बनाई है। बिरयानी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि उनके बच्चे हैं, तो चलें बच्चों को ज़रा ज़्यादा पसंद होती है बिरयानी, चावल ज़रा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए बिरयानी पका ली। चले साथ साथ मैं काम करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मेरा प्याज ब्राउन नहीं हुआ, प्याज ब्राउन होता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आज चिकन 650 रुपये किलो है, बस ये रेट मत बताया। 600 रुपये किलो चिकन है और 700 रुपये किलो बड़ा गोश्त है। जिशान रेट मत बताया। आज मंगल है तो आज गोश्त मिलना नहीं था, मैंने सोचा गोश्त ही ले जाते हैं, लेकिन तो आप यकीन माने कि इतनी महंगाई है ना, तो प्लीज आप रेट मत बताया करें चीजों के। फिर कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, दिल करता है कि जो घर में दाल पड़ी है ना वही पका के आप खा लें। दाल भी कौन, दाल मसाला भी 600 रुपये किलो है, दाल भी सस्ती नहीं है, 600 रुपये किलो है साबत मसाला। ऑयल आप देखे ना, ऑयल कितना महंगा है, पेट्रोल। उस दिन क्या हुआ, पहले मैं वीडियो बनाने लगी, फिर मैंने कहा यार छोड़ो, क्या वीडियो बनानी है। उस दिन जिशान को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, क्यों जिशान? कितनी देर पहले की बात है, 1.5 हफ्ता पहले की बात है। हाँ, जिस दिन पेट्रोल महंगा हो रहा था। हाँ जी, तो उस दिन जिशान को पेट्रोल नहीं मिल रहा था और फिर ये कहने लगे कि हम ना ऐसा करेंगे कि सब जाएंगे तो शायद वो फैमिली वाले को दे देना। तो फिर हम सब गए, मैं बच्चों को भी बिठाया साथ, फिर हम पेट्रोल लेके। और वो उनका ये था जी एक लीटर ही, एक लीटर ही देना है एक पर्सन को, एक लीटर से ज्यादा दे ही नहीं थे। फिर हमने क्या किया, पहले हमने एक पेट्रोल पंप से डलवाया, फिर हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे गए, फिर हमने उधर से डलवाया। तो ऐसे करके तो हमने 2 लीटर
उस दिन हमने पेट्रोल डलवाया। तो ये मटर नहीं चाहिए, ये देखे जी ये मटर छील रहा है, ये देखे। नहीं नहीं चाहिए तो है, इसीलिए तो मैंने गिरा लगा के रखी है, लेकिन क्या करें बच्चों? उसने वो देखे गिरा भी फाट लिया, ये देखे, और इसमें से मटर निकाल के वो भी रखे हैं, और ये रखे हैं, ये मटर पकड़ो इससे। हाँ जी चले ठीक है, प्याज का होता है, फिर मैं साथ साथ जल्दी जल्दी काम कर लूँ, टाइम भी है, टाइम बहुत शॉर्ट है। ये देखे जी ये अभी चिकन डाल दी है इन्होंने, और ये अब मुझे कह रही है सलाद बनाओ। हाँ जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैंने अभी तैयार भी होना है। तैयार होना है। हाँ जी ये देखे ना क्या कपड़े पहने हुए हैं, घर वाले कपड़े हैं, मैंने अभी चेंज भी करना है, बच्चों को मैंने इसलिए पहले रेडी कर दिया था। कुछ नहीं घर में ऐसे ही होते हैं लोग, नहीं घर में ऐसे नहीं होते ना, जब कोई घर आता है तो अच्छे से रेडी होते हैं। ये देखें जी ये चिकन डाल दिया इसमें, और ये चावलों का पानी बॉयल होने के लिए रखा है, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ना। चलो जो पहले वाले थे, हाँ जी सारे मैं करूँगी चावल, जरा मैं इसको दो मिनट ला लूँ, मैं ये लग जाएगा सारा। तो इसमें आलू नहीं डाल लूँ? आलू भी साथ डालूंगी फिलहाल, तो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, दिखाओ कितना खलारा डाला वो रह गया थोड़ा सा, वो भी निकाल। हाँ वो निकालूंगी, इतनी महंगी चीजें हैं। हाय जीशान, 150 रुपए पाव लहसुन दिया आज, नहीं करें। हाँ जी ये 80 रुपए है ना, ऐसे भी ज्यादा ना, 80 100 ऐसे था। चलो कोई नहीं, हमने कौन सा खाना बंद कर दे, चाहे इससे ज्यादा महंगा होगा फिर भी खाना तो है ही है ना। तो चावल भी कर लेती हूँ, एक ये कुछ चावल हमारे पहले के भी पड़े हैं। हाँ जी ये चावल 350 रुपए किलो है, अच्छे वाले साबत वाले चावल है, बहुत अच्छे, इतने लंबे लंबे होते हैं ना ये चावल, ये देखे ये बड़े वाले हैं, ये हम 3 ग्लास बना लेते हैं। अभी जो चावल है वो किधर है, ये देखें जी चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, फ्राई करके इसमें टमाटर और टमाटर अदरक लहसुन मैंने पहले डाल दिया था, फिर टमाटर डाले हैं, टमाटर भी जरा ज्यादा डाले, जरा ज्यादा मसाले वाली बनाए। हाँ जी ज्यादा मसाले वाली बनाई है, ये बड़े टमाटर डाले हैं, बड़े टमाटर 3 डाले हैं सर, और डाले 2 टमाटर। अच्छा चले 2 डाले, तो ये कच्चे आप बहुत लेके आए, मैं फ्रिज में से दूसरे लेके आती हूं, डाले और मैं दूसरे लेके आती हूं। ये देखें जी अभी टमाटर और हेलो सरकार सरकार, और जब तय वाली बिरयानी बनाई जाए ना, सिंधी बिरयानी जिसे कहते हैं, और उसमें मसाला ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी ये मसाले के 2 पैकेट रखे हुए हैं, प्याज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ये 2 पैकेट हमने रखे हैं, लेकिन ये अभी डालना नहीं है, ये हम डालेंगे जरा थोड़ा सा इसको पकाने के बाद। अब इसके अंदर हम 2 आलू भी डालेंगे, जो पिछले आलू बुखारा पड़ा वही डाल लेना, मेरा ख्याल फ्रिज में पड़ा हुआ मैं डाल दूंगी, ठीक है। ये देखें जी चावल डाल दिए हैं, हाँ जी चावल डाल दिए, और इसमें मैं 3 ग्लास चावल लेता तो मैंने 4-5 चम्मच जो है ना नमक का डाल रहे हैं, नमक हमने खुला ही डालना है, ठीक है, नमक खुला डालना है। और हम एक काम नहीं करते, इनकी वजह से नहीं करते, मारिया की वजह से नहीं करते, क्योंकि इनको डॉक्टर ने मसाला मसूला मना किया, आप इसमें उबलते हुए पानी में थोड़ा सा तेज पत्ता 2-3 लौंग काली मिर्च वगैरह डाल दिया करें, और एक लेमन निचोड़ दिया करे, लेमन से ये चावल जो बॉयल होते हैं बड़े निखरे निखरे रहते हैं, और वाइट लगते हैं, और वाइट वाइट खिले खिले चावल लगते हैं। ये देखें तो ये इधर देख ले, मैंने इसमें चिकन में ना थोड़े आलू भी डाल लिए, ये आलू बड़े मजे के लगते हैं खट्टे खट्टे से, तो ये आलू भी डाले हैं साथ में। अब मैं डालूंगी इसमें बिरयानी मसाला, और हम चूल्हा भी चेंज करने लगे हैं क्योंकि ये छोटा चूल्हा, तो दूसरे चूल्हे पे हम रखते हैं चावल। ये देखें जी ये हमारे ताया जी ने और छोटे बेटे ने, दादा पोते ने, दोनों ने मिलकर मटर निकाल दिए हैं, ये देखें, ये देखें लाची चली गई है, बिरयानी मसाला डाल दिया, ये जी दोनों पैकेट चले गए हैं। अब हम इसका चूल्हा चेंज कर देते हैं क्योंकि इसको जरा भलाना है, इसको जरा भूनना है, तो इधर नहीं भूना जाएगा, तो इसका हम जरा चूल्हा चेंज करते हैं, ठीक है जी चूल्हा चेंज करें।
ये जी चावल हमारे उबल गए हैं और ज्यादा था पानी, इसलिए मैंने सुशांत को आवाज दी जल्दी जल्दी। मटर बिखरने लगा। मटर, अच्छा अच्छा मैं उठा लेती। ये देखें जी चावलों की मैंने पिच उतार दी है, और ये देखें, ये मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये चावल चेक करें जरा, ये जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि 350 रुपये किलो चावल हो गए ये जो मैं लेके आता हूँ। और ये चावल का साइज देखें, ये कितना लंबा चावल है और बारीक चावल है। ऐसे चावलों का मज़ा आता है पकाने का, ये देखें जरा। और ये देखें, ये भी तैयार हो गया मसाला भी, और ये भी देखें। और ये क्या करने लगे हैं? मैं तो दम 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 की तैयारी कर रही हूं। अच्छा दम दम लान लगी है, मैं तब लाया हो यार दम मेरा दम और चावल। ये देखें जी, मुझे दम लगा लगा के पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है। उनो चावल दम लान लगे। ये देखिए ये जरा सबको बताएं कौन सा दम लगाया है मुझे, प्यार वाला। ऐसा दम लगाया फिर मैं किसी दम जोगा नहीं रहा। अच्छा अब जब तय लगानी है फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, और ये देखें इसका, ये देखें ऑयल इसमें से अलग हो गया। हाँ जी, आलू भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं और करारा भी हो गया। ये देखें जी, ये जैसे ना आपने बिरयानी पकानी है आप तो आप बोल जाना है कि ऑयल कितना लगना है क्योंकि इसमें फिर ऑयल कुछ ज्यादा ही लग जाता है। हाँ जी, ये देखें तो। जी अब ये चावलों को दम लग रहा है, अब मैं आपको बिरयानी को दम लगता दिखा सकता हूँ। जो मुझे लगा है वो तो मैं आप दिखा नहीं सकता, वो तो बड़ा टाइम हो गया है ना, बल्कि बता ही नहीं सकता कितने साल हो गए ने। कितने साल हो गए अब तो ये भी नहीं, नहीं यार यार बस ही कर दो हद हो गई। इन्होंने मुझे दम लगाया था 2008 में, आगे आप सोच ले। फिर 2011 में हमारी शादी हुई थी यार, इतने भी पोल ना खोले। और चले ये दम लगाते हैं। हाँ जी फोन आ गया, फोन तो खोल ले। इसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे सब्जी की, हाँ, फिर चावलों की। फोन की खैर है, फोन तो आवाज तो बंद करें उसकी। नहीं पा रही, मैं नहीं खा रहा, कल भी तुमने तो जबरदस्ती खवाया था। मेरा थोड़ा सा जल गया है हल्के चूल्हे पे ना बस। अच्छा ये चावलों की लेयर लगाई है। हाँ जी अब सब्जी की लेयर, हाँ फिर सब्जी की, फिर उसके बाद चावलों की। हमारा किचन कुछ ज्यादा ही ना कंजस्टेड है, नहीं जगह तो है काफी पर शेल्फ्स उन्होंने कुछ नहीं बनाई, काम करना बड़ा मुश्किल लगता है इधर। ये जी दम का आखिरी जो हमने करना है लास्ट हमारा ये है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके बाद इसको कवर करके रखेंगे। ये देखें जी अब ये मैंने आपको दिखाया, इन्होंने लास्ट में दाल का क्या किया, प्याज और हरी मिर्चें और पुदीना। और अब मैं आपको नहीं बता सकता लास्ट दम इन्होंने मेरा मुझे क्या लगाया था। तो चले अब ये जब दम खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। मैं लॉक किया सारा छोड़। ये देखें जी दम बंद कर दिए ऐसे, ये बिरयानी का दम खोला, ऐसे ही मेरा दम खोला था, है ना। खुशबू कैसी आई है वो बताए, खुशबू भी बहुत अच्छी आई है। हाँ। बहुत अच्छी। और ये टेक्सचर चेक करें जी जरा बिरयानी का। तो चले चले ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, मेहमान हमारे अभी तक नहीं आए हैं, 8 बज चुके हैं, तो देखते हैं वो कब तक आते हैं। मैं वैसे रेडी हो गई, मैंने कहा मैं भी चेंज कर लेती हूँ ना, घर के कपड़े थे वो ज़रा, मैं सुबह से ऐसी फिर रही थी, खाना वाना उसी में पकाया था, सफाई वगैरह की थी। तो चलें जी मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को 1.5 सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे बच्चे रो पड़े। तो दा हाफिज़।